हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। बिहार के रोहतास जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जिले के सदर अस्पताल में एक 56 वर्षीय मां अपने 32 साल के बेटे को कंधे पर उठाकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में घूमती नजर आई। इस दौरान बुजुर्ग महिला की मदद के लिए कोई भी स्वास्थ्यकर्मी नहीं आया। वहीं बताया जा रहा है कि नोखा थाने के कदवा का रहने वाला दिव्यांग युवक योगेश चौधरी किसी तरह थोड़ी बहुत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन पिछले दिनों काम से लौटने के दौरान साइकिल से गिर जाने के कारण उसके पैर में गंभीर चोट आ गई और फ्रैक्चर हो गया, जिसके चलते उसकी मां परमिला देवी अपने जख्मी बेटे को किसी तरह लेकर नोखा से सासाराम सदर अस्पताल पहुंची। महिला किसी तरह ऑटो से उतारने के बाद अपने बेटे को पीठ पर लेकर अस्पताल परिसर तक तो पहुंच गई, लेकिन अस्पताल परिसर में किसी ने महिला की मदद के लिए स्ट्रेचर का इंतजाम नहीं किया। बता दें कि परमिला देवी अपने बेटे को पीठ पर लेकर ही अस्पताल के अलग अलग वार्डों में उसके इलाज के लिए घूमती रही। यही नहीं, महिला वार्ड से अस्पताल के एक्सरे रूम तक भी अपने कंधे पर ही बेटे को उठाकर ले गई, लेकिन सदर अस्पताल की बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच किसी स्वास्थ्यकर्मी ने उन्हें स्ट्रेचर या व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं करवाया, जबकि यहां तमाम सुविधाएं होने का दावा किया जाता है। वहीं इस मामले पर परमिला देवी का कहना है कि उसका दिव्यांग बेटा किसी तरह मजदूरी करने के लिए गया हुआ था, ऐसे दौरान साइकिल से गिर जाने के कारण उसके पैर में चोट लग गई। पता चला कि पैर में फ्रैक्चर हो गया है, चल नहीं पा रहा है, किसी तरह अस्पताल लेकर आई हूँ। जानकारी नहीं होने के कारण उसने किसी से व्हीलचेयर या फिर स्ट्रेचर की मांग नहीं की और ना ही कोई उससे इस संबंध में पूछने या मदद करने आया। बता देंगे अस्पताल कर्मियों की मर चुकी संवेदनाओं के बीच सासाराम सदर अस्पताल में मां की इस ममता को देख हर कोई उसकी हिम्मत की चर्चा कर रहा था और कह रहा था कि बुढ़ापे में भी मां अपने बेटे को पीठ पर लेकर अपनी ममता का फर्ज निभा रही है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन इस घटना से खुद को अनजान बता रहा है और कह रहा है कि ऐसे किसी मामले की जानकारी यहां के कर्मियों को नहीं है। वहीं सासाराम सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर भगवान लाल ने बताया कि सदर अस्पताल में व्हील चेयर या स्ट्रेचर उपलब्ध है। किस परिस्थिति में बाहर से महिला द्वारा इस तरह से अस्पताल में मरीज को लाया गया, इसकी जानकारी नहीं है। जाहिर है कि अब ऐसे में सदर अस्पताल की संवेदनाओं पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ग्रामीण इलाकों के आए मरीज या उसके परिजनों को अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी नहीं है। बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े दावे तो करती है, लेकिन इस तरीके की तस्वीर लगातार बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें हिंद भारत न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।